नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। भारत एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी की उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए आज मैं तुमको भारत के बंदरगाह पढ़ाऊँगा। यहाँ से कई बार पेपर में एक तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा बंदरगाह कहाँ से है, तो इन सब को मैं फुल डिटेल से पढ़ाऊँगा आपको। ध्यान से वीडियो को लास्ट तक बने रहना, देखना एक भी बंदरगाह तुम्हारा मिस नहीं होगा और कई सारी नई चीज़ों को तुम्हें पता चलेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और जो वीडियो पर चैनल पर नए बच्चे हैं वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, है ना। और वीडियो अगर तुम्हें देखना अंत तक अच्छी लगे तो लाइक करना। देखो हम पढ़ते हैं भारत के मुख्य बंदरगाह। भारत में प्राचीन काल से पड़ोसी राज्यों के साथ व्यापार किया जाता रहा है। यह व्यापार जलमार्ग और स्थल मार्ग से किया जाता है, यानी व्यापार या तो जलमार्ग से या स्थल मार्ग से किया जाता है। जलमार्ग से नावों के माध्यम से और आधुनिक समय में व्यापार जलयानों के माध्यम से किया जाता है। जलयानों से व्यापार वायु की अपेक्षा सस्ता है, है ना। तो व्यापार करने के लिए नदी समुद्री तटों पर कई प्रकार की सुविधा प्रदान की जाती है, जैसे जलयानों का आगमन आसानी से किया जा सके, जिन्हें बंदरगाह कहा जाता है। जहाँ पर जलयान आकर रुकते हैं उस स्थान को हम बंदरगाह कहते हैं। जैसे रेलवे ट्रैक है, रेल जहाँ के रुकती है उन्हें स्टेशन कहते हैं, जहाँ पानी के जहाज आकर रुकते हैं उनको बंदरगाह कहते हैं। आई होप आप समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब बंदरगाह के बारे में समझते हैं। बंदरगाह दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। हाँ, एक बंदरगाह होते हैं कृत्रिम और दूसरे होते हैं मैनमेड, जिनको कृत्रिम और जो आदमी द्वारा बनाए जाते हैं। कुछ होते हैं प्राकृतिक, जो प्रकृति में स्वतः ही बने होते हैं। दोनों को समझते हैं। देखो प्रकृति में वैसे बंदरगाह कहाँ होते हैं, जहाँ पर पानी स्थल रूप से रुका हुआ हो, यानी पानी का बहाव तेज ना हो, है ना। जो प्राकृतिक रूप से ऐसा स्थान, मतलब जहाँ पर पानी की लहरों, समुद्र की लहरें ज़्यादा तेज़ी से ना टकराती हों और समुद्र में आने वाले तूफान वहाँ पर ना टकराते हों, लहरें ना टकराती हों, पानी का हो स्थल हो नहीं, तो ऐसा स्थान जो भूमि का भाग होगा उसके आसपास का जो एरिया होगा, या तो वो प्राकृतिक रूप से बना हो तो उसको कहेंगे हम प्राकृतिक बंदरगाह। जैसे तुम्हें मैप में ये दिख रहा होगा, इस वाले मैप में यहाँ पानी शांत है तो इससे अनसेफ एंटर करेगा और अंदर क्या होगा, रुक जाएगा और इसके साथ में इसको निकाल लिया जाएगा सामान को। तो ये है, इनको कहते हैं प्राकृतिक, क्यों प्रकृति में अपने आप बना हुआ है ये बंदरगाह। लेकिन कई जगह पर ऐसे नहीं होते, जहाँ पर मानव गतिविधियों को काम करने के लिए और डिलीवरी सामान की डिलीवरी करने के लिए उनको उस स्थान पर बनाया जाता है। जैसे ये वाला एक दीवार बना के पानी को यहाँ का कर दिया, शांत कर दिया गया है और इस पर दीवार को कंक्रीट से इतनी ऊंची बनाया गया है कि इससे आने वाली समुद्र की लहरें और वायु के को रोका जा सके और इधर क्या शिपों को रोक लिया जाएगा यहाँ पे। तो इनको कहते हैं मैन मेड। ये मानव द्वारा बनाए गए क्या हैं, बंदरगाह। तो दोनों तुम समझ पाए होगे, ठीक है। तो यहाँ से अब क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा बंदरगाह कहाँ है। मैं तुम्हें मैप से समझाता हूँ। हाँ चलो एक चीज़ और देखते हैं पहले ही यहाँ से कोई क्वेश्चन। भारत में प्रमुख बंदरगाह, भारत में 13 बड़े और 200 छोटे बंदरगाह हैं। तो 13 बड़े कितने और 200 छोटे। बड़े की बात करें तो बड़े बंदरगाहों में सर्वाधिक बंदरगाह 3 तमिलनाडु में है। तो सबसे ज़्यादा फिर बताता हूँ कहाँ है, तमिलनाडु में। और 200 बंदरगाहों में से सर्वाधिक 53 महाराष्ट्र में है। सबसे ज़्यादा कहाँ है, 53 महाराष्ट्र में, ठीक है। बंदरगाह दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक बंदरगाह और कृत्रिम बंदरगाह। ये मैंने तुम्हें भी बताया प्राकृतिक क्या होते हैं और कृत्रिम क्या होते हैं, ठीक है। तो टोटल कितने हैं बंदरगाह, 13 बंदरगाह हैं, 200 छोटे हैं, 13 बड़े हैं। उन 13 में से हम पेपर में आता है, हम इन 13 को ही पढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ऐसी पिक्चर बनाना तुम अपनी कॉपी पर, हमेशा तुम्हारे याद रहेगा। देखो ये हमारा प्राकृतिक प्रायद्वीपीय भाग है, तो पानी इधर ही है तो बंदरगाह इधर ही होंगे। यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ कोई बंदरगाह नहीं है, तो इनको ही हमें पढ़ना है। तो यहाँ से देखो, अब सबसे पहले ये हमारा पता है तो तुम्हें पूर्वी घाट है और ये क्या है, पश्चिमी घाट है। तो कुछ पूर्वी घाट के बंदरगाह हैं और कुछ पश्चिमी घाट के बंदरगाह हैं। तो 6 हमारे पूर्वी घाट पश्चिमी घाट के हैं और 6 हमारे
पूर्वी घाट के हैं तो 6 और 6 12, और एक हमारा अंडमान निकोबार में है तो टोटल कितने बताए थे 13। 13 हमारे बड़े क्या हैं, बंदरगाह हैं। तो 6 हमें पूर्व में पढ़ने हैं और 6 हमें पश्चिम में पढ़ने हैं, और एक हमारा कहाँ है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। तो क्रम से याद करने हैं, तो देखो क्रम बताता हूँ मैं इनका। तो सबसे पहले देखो ऊपर दिख रहा होगा तुम्हें, यहाँ पर ये महाराष्ट्र है ना, यहाँ है कांडला, उसके नीचे बम्बई, नावा सेवा, मर्म गोवा, न्यू मंगलोर और कोचीन। ये 6 हमारे पूर्व सॉरी पश्चिमी घाट के बंदरगाह हैं। तो स्टार्ट करते हैं पिक्चर से, तुम्हें मैं पहले मैप से समझाता हूँ। ये हमारा गुजरात है, ये महाराष्ट्र है ना, ये कर्नाटक है और ये केरल है, ठीक है, ये तमिलनाडु, ये आंध्र प्रदेश और ये उड़ीसा और ये आंध्र प्रदेश है। चलो अभी जैसे जैसे आएंगे तुम्हें बताता हूँ, सब याद हो जाएगा। तो सबसे पहले चलते हैं हम कांडला, कांडला बंदरगाह, ये रहा गुजरात है, गुजरात में कांडला बंदरगाह है, यह गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ पे, कांडला। तो कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर अब दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है, ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। अब क्या नाम है इसका, दीनदयाल बंदरगाह, ठीक है, दीनदयाल बंदरगाह। वह बंदरगाह भारत विभाजन के बाद विकसित किया गया, तो ये बात याद रखना कि हमारा जो कांडला बंदरगाह है कब बनाया गया, भारत विभाजन के बाद, स्वतंत्रता से पूर्व पश्चिमी देशों से व्यापार करने के लिए कराची बंदरगाह का प्रयोग किया जाता था। पहले जब भारत पाकिस्तान अलग नहीं थे तो यहाँ पे कराची बंदरगाह का ही प्रयोग करते थे हम, किन से, पूर्वी देशों से, पूर्वी पश्चिमी प्रदेशों से व्यापार के लिए। लेकिन व्यापार के बाद वो हमारा कराची वाला बंदरगाह चला गया, तो हमने फिर क्या बनाया, कांडला बंदरगाह विकसित किया। उत्तर भारत के आवश्यकताओं की सर्वाधिक पूर्ति इसी बंदरगाह से होती है। ये भाग है हमारा उत्तर भारत, पहाड़ियों वाली में बताया था कि यहाँ विंध्याचल पर्वत श्रेणियाँ है और इससे इधर उत्तर भारत है और दक्षिण भारत है, और ये कांडला गुजरात में। तो यहाँ से सीधा माल, अब देखो तुम्हें यहाँ से कोचीन, अगर कोई उत्तर भारत में कोई सप्लाई करनी है तो यहाँ कोचीन से जाओगे तो ये सारा भारत पार करके जब माल उत्तर भारत में जाएगा, तो इधर से कोई माल आया यहीं गुजरात उतर गया, यहाँ से उत्तर भारत में जाना आसान है। तो उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा कौन से का कहा जाता है, कांडला। तो आई होप आप कांडला को समझ पाए होंगे। तो सबसे पहले यही बना था, ठीक है, तो कांडला ध्यान से सुनना, कांडला बंदरगाह गुजरात में स्थित है, दीनदयाल इसका नाम रख दिया गया, और विभाजन से पहले का है ये, किसका है, विभाजन से पहले का है, पहले कराची से हम व्यापार करते तो सूर्य विभाजन के बाद बनाया, स्वतंत्रता के बाद, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, दूसरा बंदरगाह, दूसरा मुंबई, तो गोवा से नीचे आए हम कहाँ पे, ये गुजरात है, और गुजरात से नीचे महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में ये है मुंबई, तो मुंबई बंदरगाह इसको देखते हैं, पेपर में पूछा जाता है, यह महाराष्ट्र में स्थित है, तो पक्की बात है वही महाराष्ट्र में स्थित है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, इम्पोर्टेंट याद रखना। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है, मुंबई बंदरगाह। भारत का सर्वाधिक व्यापार इसी से होता है, सर्वाधिक व्यापार इसी से होता है, तो बड़ा भी यही है। इस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, ये पूछा जाता है भारत का प्रवेश द्वार कौन से बंदरगाह को जाता है, मुंबई बंदरगाह, ठीक है, मुंबई बंदरगाह को। तो समझ पाए होंगे तुम, तो ऊपर हमने पढ़ा कांडला, दूसरा उसके नीचे मुंबई, और मुंबई से तीसरा पढ़ते हैं नाहवा सेवा। तो नाहवा सेवा यह भी महाराष्ट्र में स्थित है, यह कृत्रिम है, यह कैसा है, कृत्रिम, नाहवा सेवा कृत्रिम है। इसका अन्य नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी है। यह बंदरगाह मुंबई के निकट स्थित है, इसका निर्माण मुंबई बंदरगाह का दबाव कम करने के लिए किया गया है। तो समझना इसको, तो मुंबई जो बंदरगाह है ना, इस पर वर्कलोड ज़्यादा था, तो इसका वर्कलोड कम करने के लिए एक और नीचे बना दिया, कौन सा, नावा सेवा। और नावा सेवा कैसा है, कृत्रिम, प्राकृतिक नहीं है, ये बनाया गया है खुद, किसके लिए, मुंबई का। और मुंबई कैसा है, सर्वाधिक बड़ा, सबसे बड़ा कौन सा है, मुंबई। तो कांडला गुजरात में है, उत्तर भारत में व्यापार यही करता है, उसके नीचे महाराष्ट्र में मुंबई, और महाराष्ट्र में कौन सा है, नावा सेवा, जो क्या है, इसका सहयोगी है। इतना तुम समझ पाए होंगे, नावा सेवा से दो याद रखने, एक तो जवाहरलाल नेहरू इसका नाम है, मुंबई का सहयोगी है, मुंबई का काम तो वर्कलोड कम करने के लिए बनाया गया है, और इसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे के बंदरगाह। तो यहाँ तक हम नाहवा सेवा तक पढ़ लिया, नाहवा सेवा महाराष्ट्र में है,
उसके बाद है मर्म गोवा, चौथे नंबर पर क्या है मर्म गाओ, ये मर्म गाओ बंदरगाह है, तुम्हें बोलो ये ऐसे मर्म गोवा तो तुम्हें याद रहेगा कहाँ पे है मर्म गोवा, गोवा में, मर्म गोवा कहाँ है गोवा में, ठीक है। ईरान को लौह अयस्क का निर्माण निर्यात इसी से होता है, तो ईरान के लिए लौह अयस्क का निर्माण निर्यात किसी से होता है, इससे ही होता है, बस इतना याद करना, ज़्यादा याद नहीं करना तुम्हें, मर्म गोवा गोवा में ही है, है ना। उसके बाद न्यू मंगलोर, न्यू मंगलोर बंदरगाह कहाँ है कर्नाटक में, न्यू मंगलोर कहाँ है कर्नाटक में, कर्नाटक मंगलोर, बंगलोर राज्य से याद रखना, बंगलोर कहाँ पड़ता है कर्नाटक में, ठीक है, तो ये कहाँ है कर्नाटक में, ठीक है। तुम्हारा ऐसा याद रखो, किसी का दोस्त है वो बंगलोर रहता हो, वो कर्नाटक में पड़ता है, तो एक बंदरगाह है वहाँ मंगलोर है, तुम्हें उससे मिलने जाना, तो मंगलोर बंदरगाह पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो मंगलोर, न्यू मंगलोर, फिर उसके बाद है लास्ट में कोच्ची, कोच्ची कहाँ है केरल, कोच्ची केरल, कोच्ची केरल याद रहेगा तुम्हारे, आसान है, कोच्ची केरल में। तो ये तुम्हें बस स्थान याद करने और इससे कोई रिलेटेड ऐसी चीज़ नहीं है। तो पूर्वी घाट के तुमने छः के छः पढ़ लिए, ऊपर से सबसे पहले गुजरात, गुजरात में कांडला, कांडला के नीचे बम्बई, बम्बई महाराष्ट्र में पड़ता है, उसके नीचे न्यू मंगलोर, सॉरी नावा सेवा, उसके बाद मर्म गोवा, न्यू मंगलोर और कोचीन, ये हमारे पूर्वी घाट के थे। इनको पेंसिल से इसी पिक्चर से बना के देखो, पक्का याद हो जाएंगे तुम्हारे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भारत के प्रमुख बंदरगाह अब देखेंगे हम पूर्वी घाट के, इसको कहते हैं पूर्वी घाट, पूर्वी घाट में सबसे पहले कोलकाता, कोलकाता क्या एक, या इसको कहते हैं हल्दिया बंदरगाह, कोलकाता हल्दिया बंदरगाह, दोनों पास पास में ही हैं, दोनों समझते हैं क्या है, कोलकाता हल्दिया, कोलकाता बंदरगाह हल्दिया नदी के निकट, नदी के तट पर स्थित है, तो याद रखना कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी के तट पर स्थित है, और कौन सा स्टेट है वो कोलकाता कहाँ में, पश्चिम बंगाल में, कौन सा पश्चिम बंगाल में, गंगा नदी पढ़ाई थी मैंने यहाँ फरक्का बांध, और ये हुगली नदी टूट जाती है फरक्का बांध बैराज से, एक भाग पश्चिम बंगाल चला बांग्लादेश चला जाता है, और एक हुगली नदी इधर आ जाती है, गंगा का नाम पद्मा हो जाता है, ये नदियों वाले कॉन्सेप्ट में मैंने पढ़ाया था, जिसने नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक से जाके देख सकता है, ठीक है। और हल्दिया बंदरगाह समुद्री तट पर स्थित है, हल्दिया बंदरगाह कोलकाता का सहायक बंदरगाह है, कोलकाता का सहायक बंदरगाह है, कौन सा हल्दिया, ये समझना तुम, ठीक है। तो कोलकाता हल्दिया दोनों को मिला के ही बोला जाता है, कोलकाता हल्दिया बंदरगाह, हल्दिया समुद्री तट के स्थित है, है ना, और कोलकाता हुगली नदी के तट पर स्थित है, तो पूरा नाम कहाँ है हल्दिया, कोलकाता हल्दिया बंदरगाह, और कहाँ पर पड़ता है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। उसके बाद पारादीप, पारादीप इम्पोर्टेंट है ये पूछा जाता है, तो पारादीप कहाँ स्थित है उड़ीसा में, उसके नीचे कौन सा राज्य है उड़ीसा, झारखंड और उड़ीसा राज्य का लौह अयस्क यहीं से जापान को निर्यात होता है, तो यहाँ से झारखंड और उड़ीसा, तो झारखंड बताया झारखंड की तटीय सीमा नहीं है, तो वो उड़ीसा के पारादीप से क्या करते हैं जापान को निर्यात करते हैं लौह अयस्क, लौह अयस्क वाली वीडियो में मैंने पढ़ाया था इसको क्या कहा जाता है भारत का रूर, तो पारादीप ट्रिक से याद कर सकते हो, है ना, जैसे पारादीप उड़ीसा, तो यानी पक्षियों को वो को पर, पर की आवश्यकता होती है किसके उड़ने के लिए, उड़ने के लिए, तो उड़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है परों की, तो पारादीप कहाँ है उड़ीसा में, क्या है याद रखना पारादीप उड़ीसा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, तीसरा विशाखापट्टनम, कौन सा है विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में स्थित है, तो याद रखना विशाखापट्टनम कहाँ है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछे भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह बम्बई, ठीक है हम पढ़े थे, तो विशाखापट्टनम सबसे गहरा बंदरगाह के निकट डाफिन नोज नामक पहाड़ी होने के कारण यह तेज समुद्री हवाओं से सुरक्षित रहता है, जैसे विकास विशाखापट्टनम बंदरगाह है तो यहाँ इसके पहाड़ी हैं, कौन सी डाफिनोज पहाड़ियाँ, जैसे डाफिनोज नामक पहाड़ियों के कारण तेज हवाओं से क्या रखती हैं सुरक्षित रखती हैं, तो विशाखापट्टनम, तो याद रखना तुम विशाखा कहाँ है आंध्र प्रदेश में, अलग अलग कर सकते हो विशाखा, ऐसा मान लो किसी का नाम विशाखा है, पट्टनम, पट्टनम हिंदी में समझ सकते हो क्या करना तुम्हें, आंध्र प्रदेश है ना, कहाँ से आंध्र प्रदेश में, है ना, तो किसी का नाम समझ लो विशाखा, कोई लड़की है जैसे उसको क्या कहो कि अंधी है वो समझ, तो ट्रिक बना के कुछ भी याद रखना है आंध्र प्रदेश में, जैसे हमने पारादीप
पर से, पक्षियों का चाहिए उड़ने के लिए पर चाहिए, ठीक है। चलो वैसे भी याद रहेगा ये, तुम मैप से बनाते जाना, ठीक है। उसके बाद तमिलनाडु, तो लास्ट के तीन बच्चे तुम्हारे एन्नोर, चेन्नई और तोत्तीकोरिन, है ना। ये तीनों के तीनों कहाँ पर हैं, तमिलनाडु में। ये कौन सा भाग है, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु तीनों को समझते हैं, ठीक है। पहले सबसे पहले पढ़ने चेन्नई, चेन्नई बंदर का इंपॉर्टेंट है, पेपर में यही आता है। चेन्नई बंदर का भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। तो मैंने बताया कृत्रिम है, सबसे पुराना है, तो कृत्रिम में सबसे पुराना बंदरगाह है कौन सा, चेन्नई बंदरगाह। कृत्रिम का नाम आए तो लगभग सभी पेपर में जो भी क्वेश्चन आया मैंने यही देखा है, चेन्नई ही ऑप्शन है, ठीक है। तो एक पढ़ के आए थे हम मुंबई, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, बंदरगाह बड़ा मुंबई, गहरा विशाखापट्टनम, सबसे गहरा विशाखा, है ना, पट्टनम। ऐसा मान लो विशाखा जो लड़की है अंधी है और वो क्या है, बहुत गहरी है, ठीक है। तो वैसे भी अंधे लोग पता तुम्हें क्या हो, बहुत सीरियस हो, ये गहरे होते हैं, ठीक है। चलो ये सब ट्रिकें हैं। उसके बाद तो कृत्रिम है, कृत्रिम तीन बताए थे मैंने वीडियो के स्टार्ट में, एक बताया था कौन सा, मुंबई का सहायक नहावा सेवा, और दूसरा चेन्नई, और तीसरा एन्नोर बंदरगाह। एन्नोर कृत्रिम बंदरगाह है, चेन्नई बंदरगाह का सहायक बंदरगाह है। चेन्नई बंदरगाह सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है, और इसका वर्कलोड करने कम करने के लिए एक और बनाया गया है एन्नोर। एन्नोर भी कहाँ है, तमिलनाडु में। उसके बाद देखो तोत्तीकोरिन बंदरगाह, तो तोत्तीकोरिन बंदरगाह, इसे चितमरनार बंदरगाह भी कहते हैं। यह मन्नार की खाड़ी में स्थित है। तो तमिलनाडु का ये वाला भाग, तमिलनाडु का ये वाला भाग जो है, यहाँ अब बताया था मैंने कौन सी खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी, ठीक है, मन्नार की खाड़ी या पाक स्ट्रीट, तो इसको मन्नार की खाड़ी भी कहते हैं। तो यहीं है ये तोत्तीकोरिन बंदरगाह, ठीक है। और इसकी गहराई कम होने के कारण यहाँ के को इसको छपाक बंदरगाह भी कहते हैं। मतलब यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूर ही जहाज़ों को रोक दिया जाता है, ठीक है, कि पानी का कमी, अब ऊंचाई होने के कारण, पानी की कमी होने के कारण जहाज़ कभी फंस ना जाए, और यहाँ से फिर नाव से ले जाके सामान को उतार के लाया जाता है, सामान है ना, जो माल वगैरह होता है। तो तोत्तीकोरिन समझ पाए होंगे तुम ये वाला, तोत्तीकोरिन तो तीनों कहाँ हैं, तमिलनाडु पे। तो एन्नोर, चेन्नई और तोत्तीकोरिन बंदरगाह कहाँ हैं, तीनों तमिलनाडु में। इससे ऊपर आए तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, पारा उड़ीसा में, है ना, और कोलकाता पश्चिम बंगाल में। तो ये पश्चिम पूर्वी घाट के बंदरगाह हैं। तो तुमसे क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट वाला पोर्ट ब्लेयर, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर। तो पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो आसान है, पोर्ट ब्लेयर क्या है, राजधानी है किसकी, अंडमान निकोबार की। ये अंडमान निकोबार वाले मैंने डंकन पास में बताया था कौन से अंडमान में पड़ती है पोर्ट ब्लेयर, तो यहाँ की राजधानी है। तो पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह कहाँ है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। आसान है, तो 6 इधर हैं 6 इधर हैं, और ये 13, तो 6 के 6 तुम्हारे ये याद हो गए होंगे, और इधर के भी, ठीक है। तो पूरा मैंने तुम्हें 13 के 13 पूरी डिटेल से समझाए हैं, एक बार और रिकॉल करा देता हूँ मैं तुम्हें सारे जल्दी से। तो कांडला इम्पोर्टेंट है, गुजरात में पड़ता है, उसके नीचे बम्बई, बम्बई सबसे कैसा है, बड़ा है, उसके नीचे नहावा सेवा, उसका सहायक बनाया गया है, उसका क्या बनाया है, सहायक। उसके बाद मार्म गोवा, गोवा में है, जो मंगलोर कर्नाटक, कोचीन केरल में है, इधर से पूर्वी पश्चिम बंगाल, कोलकाता पारादीप पर है, है ना। तो उड़ीसा में विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में सबसे गहरा है, एन्नोर, चेन्नई और तोत्तीकोरिन, इसमें एन्नोर और चेन्नई क्या है, कृत्रिम है, ठीक है। एन्नई और चेन्नई सबसे पुराना भारत का क्या सा है, कृत्रिम बंदरगाह है, और नहावा सेवा भी कैसा है, कृत्रिम बंदरगाह है। तो ये सब तुम समझ पाए होंगे, मैंने काफ़ी मेहनत से वीडियो बनाई है। अगर तुम्हें ये सब पीपीटी वगैरह अच्छा लगे तो लाइक कर देना। अब कुछ प्रीवियस पेपर क्वेश्चन देखते हैं, ये लगाते हैं, देखना तुम्हारे सारे क्वेश्चन सही होंगे। लगभग मैंने कुछ क्वेश्चन बुक से और कुछ प्रीवियस पेपर क्वेश्चन मार्क से उठाए हैं। चलते हैं, पहला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, बड़ा आसान क्वेश्चन है, मैंने बताया था तुम्हें भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, मुंबई बंदरगाह सबसे बड़ा है, जिसका वर्कलोड कम करने के लिए हमने कौन सा बनाया था, उसके पास नहावा सेवा। नेक्स्ट है, वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के कौन सा
बंदरगाह का निर्माण किया गया। तो अभी बताया मैंने कि बंदरगाह ये बहुत बड़ा बंदरगाह है और इसका वर्कलोड कम करने के लिए कौन सा, जल्दी से टिक कर दो। हाँ ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, नाहवा सेवा का। और कैसा है, कृत्रिम, कृत्रिम है भैया, कृत्रिम। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पत्तम। तो वीडियो की शुरुआत में पहला क्वेश्चन यही था कि भैया कौन सा बनाया गया था, कांडला। स्वतंत्रता के बाद पहला कौन सा बनाया गया था, कांडला, क्योंकि पहले, इससे पहले हम ईरान का यूज किया करते, कराची का यूज किया करते थे पूर्वी और पश्चिमी देशों से व्यापार के लिए, लेकिन बंटवाने के बाद हमें क्या बनाना पड़ा, कांडला। और कांडला से उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा व्यापार किया जाता है, और कांडला कहाँ है, गुजरात में। ठीक है, तो सब याद हो जाएगा तुम्हें। मर्म गोवा, तो मर्म गाओ, मैंने कहा था ऐसे ही याद करो, मर्म गोवा, तो सीधा निकल गया आएगा, कहाँ स्थित है, गोवा में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक उड़ीसा के तट पर स्थित है, तो उड़ीसा बताना, उड़ीसा, मैंने तुम्हें ट्रिक बताई थी उड़ीसा वाली, सोचो बस, पर, पारादीप, उड़ीसा, उड़ते हैं, पर की आवश्यकता है, पारादीप, तो पारादीप उड़ीसा में है, है ना। ठीक है, नेक्स्ट, भारत का सबसे गहरा स्थलरुद्ध सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है, तो भारत का सबसे गहरा, गहरा बताया था मैंने, विशाखा, अंधी लड़की है, कैसी है, गहरी है, गहरे लोग होते हैं जो अंधे, तो विशाखापट्टनम। नेक्स्ट है, भारत में कुल कितने बंदरगाह हैं, भारत में कुल कितने बंदरगाह हैं, बताओ कितने, कितना आसान है, 13 बंदरगाह बड़े, वैसे कितने हैं, 200 छोटे हैं और 13 बड़े हैं, इन 13 से ही क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर नहीं स्थित नहीं है, पश्चिम पर नहीं है, ये बताना, पश्चिम, तो ये हमारा पश्चिमी है और ये हमारा पूर्वी है, तो पश्चिम पे नहीं है, पूर्वी पे होना चाहिए। ठीक है, पूर्वी पे, तो कांडला तो पता ही है तुम्हें, पश्चिम पर है, मुंबई भी पश्चिम पे है, तो मंगलोर भी पश्चिम में, एन्नोर तमिलनाडु, ठीक है, तो ये कहाँ पर है, तमिलनाडु, तो इसका ऑप्शन कौन सा है, डी। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित नहीं है, तो पूर्वी पर नहीं पूछा अब की बार, पश्चिमी पे पूछा, तो पश्चिमी पर देखते हैं, कोलकाता, पूर्व में, यहाँ कोलकाता है पश्चिम बंगाल में, ये तो ऑप्शन में नहीं है। नाहवा सेवा, नाहवा सेवा ही फिर क्या है, पारादीप, और विशाखापट्टनम उड़ीसा में, और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, तो कौन सा नहीं है फिर, नाहवा सेवा, ये रहा भैया, नाहवा सेवा कहाँ है, बम्बई का सहायक, बम्बई का सहायक है, तो कौन सा होगा फिर इसमें, नाहवा सेवा, बी ऑप्शन, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं, दक्षिणी, यही पूछा जाता है बस, पूर्वी घाट के पश्चिमी घाट का कौन सा बंदरगाह है, ठीक है, और कौन से राज्य में है, और इतना जिसने वीडियो पूरे ध्यान से देखी ना, और दो बार ये वीडियो देख ली, गारंटी से कह रहा हूँ, और एक बार ये घर पे बैठ के ये पिक्चर बना लो कौन सा कहाँ है उसका, ये बंदरगाह वाला क्वेश्चन कभी गलती नहीं होगा। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे जो इंडियन ज्योग्राफी, तो एक और चैप्टर मैंने तुम्हें पढ़ाया, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो कल हम अपलोड करेंगे लगभग इसी टाइम तक, तब तक के लिए थैंक यू।